हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से जांच एजेंसियां सहयोग नहीं कर रही हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती, ये आपकी कल्पना है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जो जांच चल रही है उसकी स्थिति भी पूछी और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके बाद सुनवाई टाल दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, क्या चर्चा हुई, आज बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर? जी सुशील, आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी देखिए, एक बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा। सेबी ने की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सीधे तौर पर बताया कि एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उनकी जो रिपोर्ट थी उस पर सेबी ने अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन वो थोड़ा लेट से दाखिल किया है कल, इसलिए कुछ समय हो गया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है, तो इस पर ये भी सेबी से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कि आखिरकार जो जांच है हिंडनबर्ग मामले में सेबी की वो कहां तक पहुंची है। तो सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अगस्त तक का समय उनके पास, 14 अगस्त तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो भी वैधानिक तरह से जांच जितनी तेज चल सकती है उतनी तेजी से जांच चल रही है और वो इस पर अलग से बताएंगे इंस्ट्रक्शन लेकर के कब तक ये जांच पूरी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि 14 अगस्त पहले भी तारीख है तो वो जानना चाहते हैं कि उस समय जांच का स्टेटस क्या रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि यहाँ पर याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट की है उसको सहयोग एजेंसियां नहीं कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता की इस बात को तुरंत नकार दिया और कहा कि आप इमेजिनेशन से यानी कल्पना से बात मत बोलिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी एजेंसियां एक्सपर्ट कमेटी को सहयोग करेंगी और एक्सपर्ट कमेटी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि एजेंसियां उनको सहयोग नहीं कर रही हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को और वक्त दिया है और इस मामले को अभी टाल दिया है, क्योंकि अगस्त में इस मामले की एक बार सुनवाई होनी है कि जांच को लेकर जो जांच चल रही है हिंडनबर्ग को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल एक्सपर्ट कमेटी के जो सुझाव हैं कि निवेशकों के हितों को बरकरार रखने के लिए संरक्षित करने के लिए किस तरह व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए उसको लेकर या कोई चूक थी तो किस तरह के संशोधन होने चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, मैकेनिज्म क्या हो उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और कहा है कि सेबी के जवाब है सारे याचिकाकर्ताओं को दिया जाए और उसके बाद वो अपने अपने जवाब दाखिल करें।